किचन में मकई कैसे उगाई है? हमारे किचन में मकई क्यों बोई गई है? पूर्णा देवी हमारी बहन ने पूछा है। हमारी वीडियो में थोड़ा सा क्लिप मैंने शेयर किया हुआ था, उन्होंने बोला दी विस्तार से समझाइएगा कि आपका किचन तो आपके घर में है तो मकई कैसे आपके किचन में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग जाती है ना तो लाइक शेयर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर अम्मा बात कर रही है अपनी भतीजी से, थोड़ी सी दिख गई क्लिप, अम्मा नाराज़ हो जाती हैं जैसे कि उनका ये रहता है, अच्छा नहीं लगता ना। बैठी है, कोई है नहीं। चलिए फिर चलते हैं सीधा डायरेक्ट आपको खेत में ही लिए चलते हैं। आज बहू रानी आज जा रही है खेत में, वो भी अपनी सिस्टर की रिक्वेस्ट पर। तो यहाँ पर देखिए ये दरवाज़ा खुल चुका है, दोनों इस वाले कमरे में दो दरवाज़ा है। फोन टूल एक बार करवाया था, मैं सोचती थोड़ा फैमिली 10-20 हज़ार की हो जाए तो दोबारा से करवा दूँगी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि मकई हमारे खेत में, हमारे किचन में क्यों जो है मकई उगाई है। ये देखिए ये दूसरा दरवाज़ा है, इससे हम एंटर करेंगे यहाँ पर। चलिए तो मकई का जो हमारे खेत में बोने का बात है वो आपको बताते हैं अपनी सिस्टर को, आप सभी को। पहले पूजा यानी हमारी छोटी देवरानी ने बोला था कितना बड़ा हो गया दिखा दीजिएगा, हमने कहा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, रील डाले थे तो दिखा देंगे आप लोग को। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये है पीछे हमारा रसोइया, जो कि यहाँ पर हम मिट्टी के चूल्हे में भी खाना बनाएंगे और वैसे भी जैसे शादी विवाह में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसके लिए भी होगा। तो आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं। और यहाँ पर मैंने ना आप पहले दिखा देते हैं लगाया हुआ था, ये देखिए मिर्ची का पौधा है, यहाँ पर देख लीजिए दो चार लेके आए थे लेकिन गल गया है तो मिर्ची का पकड़ लिया, वहाँ पर बैंगन का लगा दिए हैं, एक ही बैंगन पकड़ के रखा है आप देख सकते हैं। छत पे लगाया था जो कि हुआ नहीं है, जो है अब यहाँ पर पेड़ पौधा बड़ा बड़ा है, मेरे सिर से जो है साड़ी उतर सकती है, आप लोग जो है बने रहिएगा। चलिए देखिए ना इसमें घुई लगी हुई है आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये जीरा बहुत बड़ा बड़ा पौधा हो गया, आपको दिखाई देते हैं एकदम बढ़िया से, आप लोग देख लीजिए क्या दिख रहा है क्या नहीं। मैं सोच रही थी कि सुहानी रहेगी तब दिखाएंगे लेकिन मैंने सोचा वो आते जाते शाम हो जाती है, उसको फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ वीडियो। तो ये पूरा किचन है, चलते थोड़ा आगे और लेके आपको, लेकिन जब बढ़िया हो जाएगा और इसमें कुछ करेंगे तो आप लोग को दिखा देंगे फिर से दोबारा। आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहा करिए, और जो चैनल पर नए आते हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी कर देना। इस दरवाजे में ये बाहर का गेट है, यहाँ से हम लोग बाहर भी निकल सकते हो। देखो हमारी जो है सुकना घास खा रही है, चिल्ला भी रही है अपनी माँ के लिए। तो ये फर्स्ट पूरा बरामदा टाइप का है, उसके बाद किचन में चलते हैं। तो एवरीवन देखिए ढेर सारी मतलब घुई लगी हुई है, आप लोग को दिख रही है। अब बहुत ही सुंदर लगता है जब मैं यहाँ पे आती हूँ, तो वैसे डरती भी हूँ क्योंकि यहाँ खुला है दरवाज़ा तो जानवर लोग भी आके घुस सकते हैं। और मैंने लगाया हुआ था टमाटर वगैरह, सारा चीज़ गल गया है, हुआ नहीं है, एक भी नहीं हुआ है। और अब हम आ जाते हैं अपने किचन में, यह है हमारा किचन, आप लोग देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड पीछे का। यहाँ पर ये हमारा किचन है, पीछे का रसोइया अब अंदर नहीं जा पाएंगे यार, एकदम पूरा हुआ हो है, टूट जाएगा सारा। अरे देखिए पौधा बाल है, इसमें भी घुइया लगी हुई है, देखिए कितनी बाल उगाती है। और हम लोग खाते हैं जो है, जब बाल का भुट्टा बनाएंगे तो आप लोग को भी दिखा देंगे, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट रहती है हमारी बहनें अंजू जी को और आप सभी को, मतलब हमारी वो हर छोटी बात जाननी होती है, छोटी बड़ी हमारी लाइफ में जो चल रहा है। तो हमने जो चीज़ें लगाई हुई थी उसमें से बैंगन और चार मिर्ची जो है बचे हुए हैं, बाकी सारा सूख गया, बैंगन मिर्ची टमाटर लेके आई हुई थी। तो चलिए देख लीजिए आप लोग पूरा। गिर गई लोढ़नी गन्ना के खेत में, देखिए सिर पर रुक नहीं रहा पल्लू। तो चलिए फिर निकल लेते हैं, अभी प्लास्टर नहीं हुआ, अभी पत्रा भी नहीं रखा है, जैसे पत्रा रखाते क्या होता क्या नहीं होता है। आशा करती हूँ ना कि आप सबको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आ जाती है ना तो लाइक शेयर कर लेना, जो चैनल पर नए आते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मेरी लाइफ का क्या कुछ भी हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस जो अच्छा है वही शेयर करूँ, जो नहीं अच्छा उसे ना शेयर करूँ, यानी जो साड़ी बढ़िया है 1500 की वही पहन के दिखाऊँ, मेरे पास जो है, जो मैं जी रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ, जो मैं पहन रही हूँ वो दिखाऊँ, कि जो है ही नहीं, जो हम हैं नहीं, अगर वो दिखाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक हम नहीं दिखा पाएंगे। इसकी वजह से जो है मैं रियल चीज़ें ही दिखाती हूँ। यही मेरा किचन है और यहाँ पर ये हाल है, यहाँ लोग को बैठने के लिए है जैसे साग भाजी काटने का कुछ भी। और ये पीछे का जो आप देख रहे हैं ये किचन का कमरा है, यहाँ पे खाना बनाने का, और बाकी का जो किचन है वो अंदर ही है, आप लोग देखते ही हैं मैं खाना बना के वहाँ से वीडियो शेयर करती हूँ।
तो चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाती है ना तो लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए बहुत सुंदर लग रही है मकई हमारी, अब हम दाने कैसे पड़ेंगे तो बाद में पता चलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। आशा करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगा।